आज मैं आपको बताऊंगा अगले महीने कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। गूगल पिक्सल 5a 5G ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है मई के 18 से 20 की डेट को। पहले ये फ़ोन इंडिया से बाहर लॉन्च होता था तो ये 2 या 3 मंथ में इंडिया में लॉन्च किया जाता था, मगर इस बार दोस्तों मेड इन इंडिया होने वाला है तो इस बार ये फ़ोन पहले इंडिया में लॉन्च होगा। सैमसंग के मई में 2 या 3 फ़ोन आ सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से एफ सीरीज़ या S21 FE फैन एडिशन लॉन्च हो सकता है। इनमें से एक फ़ोन तो ज़रूर लॉन्च होगा, वीवो में V21 5G जो कि अप्रैल के मंथ में ही लॉन्च होगा, लेकिन जो सेल है वो मई में ही जाएगा। और जहां तक हो सकता है मई में वीवो का सिर्फ यही एक फ़ोन लॉन्च हो, क्योंकि जो वी सीरीज़ होती है वो बहुत ही पॉपुलर होती है। IQ जो दोस्तों वीवो का ही सब ब्रांड होता है, और IQ G3 जो मई में लॉन्च हो सकता है। इन्फिनिक्स जो मई में एक या दो फ़ोन ला सकता है, Note 10s Note 10 Pro, लेकिन ज़्यादा उम्मीद Note 10s की लॉन्च होने की है। अब बात करते हैं पोको। जी हाँ, पोको का फ़ोन आने वाला है और वो भी 5G आने वाला है। पोको M3 Pro मई के एंड तक ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों चाइना में अप्रैल में लॉन्च हो चुका है Redmi का गेमिंग फ़ोन, और उम्मीद की जा रही है कि ये फ़ोन इंडिया में भी मई में लॉन्च हो सकता है। और अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है तो ये पोको के ब्रांड में आएगा। अब बात करते हैं Redmi 10 सीरीज़ की, जो बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन बजट फ़ोन होता है। और जो इस सीरीज़ में मॉडल हो सकते हैं वो है Redmi 10, Redmi 10A, Redmi 10i, Redmi 10 Pro, ये सब मॉडल आ सकते हैं। दोस्तों Realme का फ़ोन आ सकता है ये कंफर्म नहीं है, अगर Realme का फ़ोन आता है तो Realme X7 Max हो सकता है। चाइना में तो ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है, अब शायद इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, या Realme का GT और Realme का GT New, इन दोनों में से एक फ़ोन लॉन्च हो सकता है। जो खबरें आ रही हैं, हो सकता है Oppo का Reno 6 सीरीज़ मई में लॉन्च कर दे, और Oppo का ये सीरीज़ बहुत बड़ी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।